दुष्यंत जी, एक सवाल था कि एक मामला सामने आ रहा है कि राइस मिलर्स जो हैं उन्होंने काफी बड़े स्तर पर घोटाला किया, लेकिन उसकी जांच की बात की जा रही, क्या अभी है उसमें सर, क्या है? जांच और घोटाला शब्द इस्तेमाल करना बहुत अर्ली है, क्योंकि इस बार हरियाणा प्रदेश में 63.5 लाख मेट्रिक टन पैडी की परचेज हुई, जो कि पिछली बार 55 लाख मेट्रिक टन थी। हरियाणा सरकार FCI के लिए, हैफेड के लिए, अलग अलग जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी हैं उनके लिए पैडी प्रोक्योर कर रही है, और कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट राइस मिलर्स के पास स्टोरेज करवा रही है, जिसके वो कस्टोडियन हैं। हमने कैबिनेट के अंदर ये विषय रखा, क्योंकि विधानसभा सत्र में नेता विपक्ष ने, विपक्ष के अन्य नेताओं ने बारी बारी ये बात कही थी कि पैडी परचेज नहीं हो रही, पैडी परचेज नहीं हो रही। हरियाणा सरकार ने आखिरी दाना तक पैडी का 14 तारीख तक परचेज किया, जिसके बाद जो पैडी के अंदर परमल है, परमल का कोई भी दाना अनपरचेज हरियाणा प्रदेश में नहीं रहा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि दूसरे प्रदेशों से भी परमल हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है, उसको भी हमने जिस तरीके से भी करा, बॉर्डर रोके और रोके थोड़े प्रावधान करे, प्रयास किया कि इलीगल एक्टिविटी ना हो। मगर आज 8.5 लाख मेट्रिक टन पैडी हरियाणा में एस्टिमेशन से ज़्यादा आना, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और इतने लार्ज स्केल में पैडी की क्वांटिटी को स्टोर करना, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस स्टोरेज को वेरीफाई करना हमारी जिम्मेवारी है। जो भी हमारे राइस मिलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका ये हिस्सा है कि हम उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकें। कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की कोई बात, क्योंकि विपक्ष बारी बारी हम पे ये डाल रहा था कि हम जान बूझ कर नहीं करते, जो एक्सेस आया है इससे किसान का नुकसान नहीं, हरियाणा सरकार के रेवेन्यू का नुकसान है। किसान का तो एक एक दाना 1850 रुपये क्विंटल के हिसाब से हमने परचेज किया, सिर्फ उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अगर कई परमल की जगह बासमती निकलती है, या फिर क्वांटिटी जो है किसी के स्टॉक में कम दिखती है, तो उससे उसकी इंक्वायरी भी करी जाएगी, और फर्दर जो एक्शन होगा वो आगे फिर डिपार्टमेंट। एक रोडवेज कर्मचारी मिले, अभी कुछ लोग मिले रिटायरमेंट, जो पेंशन को लेकर पेंशन बहाल की जाए, दो पुरानी पेंशन स्कीम के लिए बिल्कुल कमेटी मिली है। उनकी बात जो है, मैंने इनको कहा है, ये कह रहे हैं कि 2 स्टेट में नई पेंशन स्कीम लागू है, जिसमें किसी एक साथी ने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया, किसी ने दिल्ली का दिया। हमने कहा उनके ड्राफ्ट ला के हमें दे दे, किस तरीके से उन्हें लागू करिए, उसको स्टडी करके जरूर विचार किया जाए कि इनके भी राइट्स को हम सुरक्षित करें। हाँ दुष्यंत जी, एक सवाल था कि एक मामला सामने आ रहा है कि राइस मिलर्स जो हैं उन्होंने काफी बड़े स्तर पर घोटाला किया, लेकिन उसकी जांच की बात की जा रही, क्या अभी है उसमें सर, क्या है? जांच और घोटाला शब्द इस्तेमाल करना बहुत अर्ली है, क्योंकि इस बार हरियाणा प्रदेश में 63.5 लाख मेट्रिक टन पैडी की परचेज हुई, जो कि पिछली बार 55 लाख मेट्रिक टन थी। हरियाणा सरकार FCI के लिए, हैफेड के लिए, अलग अलग जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी हैं उनके लिए पैडी प्रोक्योर कर रही है, और कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट राइस मिलर्स के पास स्टोरेज करवा रही है, जिसके वो कस्टोडियन हैं। हमने कैबिनेट के अंदर ये विषय रखा, क्योंकि विधानसभा सत्र में नेता विपक्ष ने, विपक्ष के अन्य नेताओं ने बारी बारी ये बात कही थी कि पैडी परचेज नहीं हो रही, पैडी परचेज नहीं हो रही। हरियाणा सरकार ने आखिरी दाना तक पैडी का 14 तारीख तक परचेज किया, जिसके बाद जो पैडी के अंदर परमल है, परमल का कोई भी दाना अनपरचेज हरियाणा प्रदेश में नहीं रहा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि दूसरे प्रदेशों से भी परमल हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है, उसको भी हमने जिस तरीके से भी करा, बॉर्डर रोके और रोके थोड़े प्रावधान करे, प्रयास किया कि इलीगल एक्टिविटी ना हो। मगर
आज 8.5 लाख मेट्रिक टन पैडी हरियाणा में एस्टिमेशन से ज़्यादा आना, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। और इतने लार्ज स्केल में पैडी की क्वांटिटी को स्टोर करना, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस स्टोरेज को वेरीफाई करना हमारी जिम्मेवारी है। जो भी हमारे राइस मिलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका ये हिस्सा है कि हम उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकें। कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की कोई बात, क्योंकि विपक्ष बारी बारी हम पे ये डाल रहा था कि हम जानबूझकर नहीं पड़ते इसको, ये जो एक्सेस आया है इससे किसान का नुकसान नहीं है, हरियाणा सरकार के रेवेन्यू का नुकसान है। किसान का तो एक एक दाना 1850 रुपये क्विंटल के हिसाब से हमने परचेज किया, सिर्फ उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अगर कहीं परमल की जगह बासमती निकलती या फिर क्वांटिटी जो है किसी के स्टॉक में कम दिखती है तो उससे उसकी इंक्वायरी भी करी जाएगी, तो फर्दर जो एक्शन होगा वो आगे फिर डिपार्टमेंट। एक रोडवेज कर्मचारी मिले, अभी कुछ लोग मिले रिटायरमेंट, जो पेंशन को लेकर पेंशन बहाल की जाए, दो पुरानी पेंशन स्कीम के लिए बिल्कुल कमेटी मिली है। उनकी बात जो है मैंने इनको कहा है, ये कह रहे हैं कि 2 स्टेट में नई पेंशन स्कीम लागू होगी, इसमें किसी एक साथी ने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया, किसी ने दिल्ली का दिया। हमने कहा उनके ड्राफ्ट ला के हमने दिए, किस तरीके से उन्हें लागू करें उसको स्टडी कर जरूर विचार किया जाएगा कि इनके भी राइट्स को हम सुरक्षित करें।